Welcome back to this channel, Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video, we'll cover question number one of 3.1 exercise of indefinite integration. There are total five sub questions. So let's get started. All right, let us start with the first question. The question heading is integrate the following function with respect to x. देखो यहाँ पर अभी खाली अपने को फंक्शन देकर है, राइट? इंटीग्रेशन का सिंबल वगैरह कुछ नहीं है, तो अपने को ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इनटू डीएक्स करना है. ओके, और देखो इसका कोई अपन ने नाम भी नहीं लिए वाला है, तो अपन डेरिवेटिव में कैसा कोई भी फंक्शन रहता था तो उसको वाई लेते थे या एफ ऑफ एक्स लेते थे, तो सिमिलरली इंटीग्रेशन में अपन इसको आई लेंगे. ठीक है, आई फॉर इंटीग्रेशन. So I equals to integration of x cube plus x square minus x plus 1 into dx. Okay. Now next step is, देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 terms है, तो चारों भी term को आप अलग करो. ठीक है, चारों भी term को आप integration देंगे और dx भी देंगे. ठीक है, so ये हो जाएगा I equals to integration of x cube into dx plus integration of x square into dx minus integration of x dx plus integration of 1 into dx. Okay, now अभी अपने को formula use करना है. ठीक है, x cube का integration, देखो x raised to power n के form में, तो अपने को पता है integration of x raised to power n is x raised to power n plus 1 upon n plus 1, right? तो ये हो जाएगा x raised to power 3 plus 1 upon 3 plus 1 plus x square का integration is x raised to power 2 plus 1 upon 2 plus 1 minus यहाँ पर देखो x raised to power कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x raised to power 1 plus 1 upon 1 plus 1. ओके, प्लस अभी यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. ठीक है, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ना हमेशा x होता. ओके, जैसा डेरिवेटिव में क्या होता था, x का डेरिवेटिव क्या होता था विद रिस्पेक्ट टू x, 1 होता था, तो यहाँ पर उल्टा करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होगा x. ठीक है, सो रिमेंबर दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस सी. ठीक है, दिस कॉन्स्टेंट, ये सब के लिए एक बार अपन सी लिख सकते हैं. ओके, तो ये फाइनली हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी. सो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर. आई होप इट इज क्लियर. ऑलराइट, लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन. Integrate the following with respect to x. Question is x square into 1 minus 2 upon x whole square. देखो ये एक function है, ये एक function है. U into V rule? नहीं, U into V rule आपने अभी तक पढ़े नहीं, right? तो इसको U into V rule ऐसा कुछ नहीं करना है. ठीक है, integration by part वगैरह अभी आने का है, तो इसको simply अपन simplify करते, so we will get the answer. Okay? देखो सबसे पहले integrate करना है, तो इसको आप नाम दे दो, I equals to इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इंटू डीएक्स. ठीक है, तो अपने तीन चीज किए, इसको अपने नाम दिए आए, इंटीग्रेशन किए और इंटू डीएक्स किए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स किए. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप इज, ये 1 माइनस 2 एक्स होल स्क्वायर है, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, राइट? तो इसको आप एक्सपांड करो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 ए बी. So 2 into 1 into 2 by x plus b square. So 2 by x whole square is 4 by x square. Okay, into dx. Now, अभी ना ये x square है ना, इसको आप ये bracket के अंदर लेकर जाओ. Okay, तो ये हो जाएगा x square into 1 is x square. ये minus sign as it is. देखो minus 2, sorry, 2 into 2 is 4. 4 upon x है. 4 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे का x और ये एक 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 x कैंसिल होएगा. ठीक है, तो ये माइनस 4x हो जाएगा. ओके, तो ये माइनस 4x हो गया, प्लस यहाँ पे देखो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली प्लस 4 बचेगा इंटू डी एक्स. ओके, अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा हो गया, तो अभी आप ये इंटीग्रेशन तीनों भी टर्म को दे दो और डी एक्स भी दे दो. So, integration of x square into dx minus integration of 4x into dx plus integration of 4 into dx. Okay, now apply the formula. X square ka integration is x to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1. Dekho, yahan pe jo 4 hai, 4, wo kya hai, coefficient hai, to 4 ko aap bahar le lo. Okay, so ye minus 4 bahar le liye, to yahan pe x raised to power 1 hai.
ठीक है, सो एक्स रेस टू पावर वन का इंटीग्रेशन इज एक्स रेस टू पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, प्लस यहाँ पे भी जो फोर है ना उसको आप बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स, ठीक है, और बाहर वाला फोर और ये एक्स, तो ये फोर एक्स हो जाएगा, ओके, प्लस सी, ओके. नाउ एक्स रेस टू पावर टू प्लस वन इज थ्री, सो एक्स रेस टू पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फोर एक्स प्लस सी, ठीक है, ये टू वन्स आ और फोर टूज आ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सी, सो दिस इज आवर सेकेंड आंसर. ऑलराइट, लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन. इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थ्री सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस सेवन, ठीक है, तो ये पूरे फंक्शन को अपन आई दे देंगे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा अपन ने लिखे इनटू डीएक्स. ऑलराइट, नाउ अपनी नेक्स्ट स्टेप, अपन जो चार टर्म है यहाँ पर चारों को इंटीग्रेशन और डीएक्स दे देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थ्री सेक्स स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स, ठीक है, डीएक्स में लिखना भूल गया, आप मत भूलना, सो इंटीग्रेशन ऑफ थ्री सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर अपॉन एक्स इंटू डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी यहाँ पर क्या है, एक्स रूट एक्स है डिनोमिनेटर में, एक्स रूट एक्स मतलब रूट एक्स को अपन वन बाई टू लिख सकते हैं, एक्स रेस टू पावर वन इंटू एक्स रेस टू पावर वन बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर वन प्लस वन बाई टू मतलब एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू, ठीक है, सो एक्स रूट एक्स को अपन एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू लिख सकते हैं, तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री बाई टू, राइट, तो यहाँ पर आप लिखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू डीएक्स, ठीक है, एक्स रेस टू पावर रूट एक्स को अपन एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू डीएक्स, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेवन इंटू डीएक्स. ऑलराइट, अभी अपन क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट्स है ना उसको अपन बाहर ले लेते हैं, तो आई इक्वल्स टू थ्री सेक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स माइनस फोर को बाहर ले लो, तो फोर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे बचेगा वन अपॉन एक्स इंटू डीएक्स प्लस यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू डीएक्स माइनस यहाँ पर सेवन को बाहर ले लो, तो सेवन इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डीएक्स, ठीक है, सेवन बाहर ले लिए तो इधर वन बचेगा. ऑलराइट, नाउ अप्लाई दी फॉर्मूला, देखो थ्री एज इट इज, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, ओके, सो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज टेन एक्स माइनस फोर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स, देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता था, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो ये माइनस फोर लॉग एक्स प्लस यहाँ पर आपको एक्स रेस टू पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, ओके, माइनस ये सेवन एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन इज एक्स, तो ये माइनस सेवन एक्स हो जाएगा प्लस सी, ओके, तो ये फाइनली हो जाएगा थ्री टेन एक्स माइनस फोर लॉग एक्स, इसको ना अपन ने इधर सॉल्व किए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता, माइनस सेवन एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इसको देखो अभी एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, तो ये माइनस थ्री बाई टू प्लस वन हो जाएगा एक्स रेस टू पावर माइनस वन बाई टू अपॉन माइनस वन बाई टू, ये नीचे जो माइनस वन बाई टू है ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस टू बाय वन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्स रेस टू पावर माइनस वन बाई टू है तो ये नीचे आएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वन अपॉन एक्स रेस टू पावर वन बाई टू हो जाएगा, सो माइनस टू इंटू वन इज माइनस टू अपॉन एक्स रेस टू पावर वन बाई टू को अपन रूट एक्स लिख सकते हैं, राइट, तो माइनस टू अपॉन रूट एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना इसके बदले अपन माइनस टू अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं, तो इसके बदले आप लिखो माइनस टू अपॉन रूट एक्स, देखो यहाँ पर प्लस साइन है और ये माइनस टू अपॉन रूट एक्स आ रहा है, तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएंगे, माइनस टू अपॉन रूट एक्स, ठीक है, माइनस सेवन एक्स प्लस सी, बाकी का सेम, ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स टू द पावर फाइव, ठीक है, ये पूरे को आप आई लिख दो, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का सिंबल और इन टू डी एक्स, ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज चार टर्म है चारों को अलग अलग करेंगे, चारों को भी आप इंटीग्रेशन देंगे और डीएक्स भी देंगे, तो ये हो जाएगा यस आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स क्यूब इंटू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स इंटू डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री बाई एक्स इंटू डीएक्स प्लस
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। ओके नाउ जो कोएफिशिएंट्स है उसको आप सामने ले लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 है तो एक्स टू द पावर 5 ऊपर आएगा तो एक्स टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 को आपने बाहर ले लिया और 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 था तो एक्स टू द पावर 5 ऊपर आएगा तो एक्स टू द पावर माइनस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो 1 अपॉन एक्स है इसको क्यों ऊपर नहीं लेकर गए अपन, क्योंकि अपने को 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन पता है राइट, बट 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 का नहीं पता है तो इसलिए अपन इसको ऊपर लेकर गए। ओके नाउ अभी आप फॉर्मूला लगाओ, ठीक है अभी आप इंटीग्रेट करो, तो 2 एज इट इज एक्स टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन इज एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5 एज इट इज एक्स रेस टू पावर 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स रेस टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस 3 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज लॉग एक्स। ओके सो 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 एज इट इज एक्स टू द पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स रेस टू पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, सो माइनस 5 प्लस 1 इज एक्स रेस टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर माइनस 5 इज एक्स रेस टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस सी। ओके अभी यहाँ पर अपन कुछ कैंसिलेशन करेंगे, ये 2 वन्स आ एंड 4 टूज आ, और यहाँ पर देखो 4 है और यहाँ पे माइनस 4 है, ठीक है तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन है ना ये पूरा टर्म माइनस हो जाएगा तो ये साइन माइनस हो जाएंगे। ठीक है बाकी सब एज इट इज, तो ये एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 लॉग एक्स ये माइनस हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे एक्स टू द पावर माइनस 4 है राइट, तो माइनस 4 है नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 और ये वाली माइनस साइन से ये पूरा टर्म माइनस हो गया, सो माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। ऑलराइट सो नाउ लेट अस लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x cube minus 2x plus 5 upon x root x। देखो दो फंक्शन है डिविजन में, सो u by v रूल नहीं, अपने को अभी u by v रूल वगैरह अपने कुछ पढ़े नहीं इंटीग्रेशन के केस में राइट, आगे अपन कुछ आएगा तो देखेंगे, तो इसको फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करना है सो वी विल गेट द आंसर। ओके सो देखो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेशन I करो, I equals to integration of 3x cube minus 2x plus 5 upon x root x into dx। ओके अभी देखो x रूट x है तो x रूट x को अपन x रेस टू पावर 3 बाई 2 लिख सकते हैं राइट, रूट x को अपन x रेस टू पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं और खाली x को x रेस टू पावर 1 तो पावर ऐड हो जाते हैं x रेस टू पावर 3 बाई 2, तो x रेस टू पावर रूट x को के बदले आप लिखो x रेस टू पावर 3 बाई 2। ओके नाउ अभी आप क्या करो x रेस टू पावर 3 बाई 2 से ना ये सब टर्म को डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब अपॉन x टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 2x अपॉन x टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 5 अपॉन x टू द पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके अभी ना देखो आप इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये 3 है उसको एज इट इज रहने दो, यहाँ पर x क्यूब है और यहाँ पर x टू द पावर 3 बाई 2 है, देखो दोनों का बेस सेम है एक्स एक्स पावर्स, देखो दोनों का बेस सेम है और ये दोनों डिविजन में है तो पावर सब्सट्रैक्ट होंगे राइट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 एज इट इज ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 बाय 2, ठीक है x रेस टू पावर 3 माइनस 3 बाय 2 माइनस यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर x रेस टू पावर 1 है और यहाँ पर x रेस टू पावर 3 बाय 2 है डिविजन में तो पावर सब्सट्रैक्ट माइनस 2 x टू द पावर 1 माइनस 3 बाय 2 प्लस 5, देखो यहाँ पर कोई x नहीं है ठीक है, सो x रेस टू पावर 3 बाय 2 है ये ऊपर आएगा तो x रेस टू पावर माइनस 3 बाय 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके अभी आप क्या करो जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप बाहर ले लो, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ देखो एक्स रेस टू पावर 3 माइनस 3 बाई 2 2 एल सी एम सो 6 माइनस 3 इज 3 तो एक्स रेस टू पावर 3 बाई 2। ओके 3 को अपन ने बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है इसको आप डी एक्स भी दे दो अभी और सबको आप इंटीग्रेशन भी दो और कोएफिशिएंट्स को बाहर भी लेंगे, तो 3 को बाहर लिए इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा x रेस टू पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स, या फिर माइनस 2 बाहर लो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 1 बाई 2, ओके 1 माइनस 3 बाई 2 इज माइनस 1 बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस या फिर आप 5 बाहर लो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 3 बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, इंटीग्रेट द फंक्शंस,
सो थ्री एज इट इज एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज करो. सो एक्स टू द पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 माइनस 2 एक्स टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस 5 एक्स टू द पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस सी. ओके तो ये हो जाएगा I equals to 3 as it is, 3/2 + 1, 2 LCM, so 3 + 2 = 5, x to the power 5/2 upon 5/2, ठीक है, LCM वाला भी मैं directly बोल रहा आपको, 3 into x to the power 5/2 upon 5/2, minus 2 into x to the, देखो, -1/2 + 1, x to the power 1/2 हो जाएगा, okay, so x to the power 1/2 upon 1/2 plus 5 into -3/2 + 1 is -1/2, ये हो जाएगा x to the power -1/2 upon -1/2 plus c. okay now अभी देखो जो denominator में 5/2 है ना, इसको आप ऊपर ला लो तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा. so 3 into 2/5 into x to the power 5/2 minus ये 2 as it is, यहाँ पर 1/2 है तो ऊपर आएगा तो 2/1, 2/1 into x to the power 1/2. अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर denominator में -1/2 है तो ऊपर आएगा तो ये -2/1 होएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है तो इसकी साइन माइनस हो जाएंगी, तो ये -2/1 इंटू 5 एज इट इज इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस सी. ओके नाउ 3 × 2 = 6, 6/5 एक्स टू द पावर 5/2 माइनस 2 × 2 = 4, 4 एक्स टू द पावर 1/2 कैन बी रिटन एज रूट एक्स, सो -4√x, ये 2 × 5 = 10, सो -10. यहाँ पे देखो x रेस टू पावर -1/2 है तो नीचे जाएगा तो x रेस टू पावर 1/2 हो जाएगा, और x रेस टू पावर 1/2 को अपन रूट एक्स लिख सकते हैं, तो इसको अपन ने 10/√x लिखे प्लस c. ओके तो ये हो जाएगा 6/5. यस अभी ना अगर आप यहाँ तक भी करते ना तो चलेगा, यहाँ तक का भी अगर आप सॉल्व करते तो दिस इज राइट आंसर, बट टेक्स्ट बुक में ये आंसर नहीं देकर है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ये आंसर देकर है. तो अपन क्या करते हैं, एक्स रेस टू पावर 5/2 है ना, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. देखो एक्स रेस टू पावर 5/2, 5/2 = 2.5, राइट, सो एक्स रेस टू पावर 2.5 को अपन एक्स रेस टू पावर 2 + 1/2 लिख सकते हैं, राइट, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 2 × x^2 1/2, ठीक है, एक्स रेस टू पावर 1/2 मतलब रूट एक्स, तो x² × √x लिख सकते हैं अपन एक्स रेस टू पावर 5/2 को, तो एक्स रेस टू पावर 5/2 के बदले आप x² × √x लिखो. Okay, so this is the final answer of fifth question. If you find this video helpful, please subscribe our channel, share it with your friend, and thank you so much for watching.